बनाने हो, चाहे कॉरिडोर बनाना हो, चाहे अपनी संस्कृति को जो 1000 साल तक हम लोग गुलाम रहे उस संस्कृति को फिर से वापस लाने का माध्यम हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ रहे हों, चाहे कृषि के क्षेत्र में बढ़ रहे हों, चाहे अंतरिक्ष में हमारे यान जा रहे हैं, चाहे सेनाओं को मजबूत किया जा रहा है, चाहे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, चाहे गरीबों को आवास दिए जा रहे हों, चाहे इज्जत घर दिए जा रहे हों, समूहों को रोजगार दिया जा रहा हो कि घर घर जन जन तक रोजगार पहुंचे, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये अपने भारत को गौरवशाली भारत बनाने के लिए, संपन्न भारत बनाने के लिए, भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण करने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। और मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और 15 अगस्त 2047 जब 100 साल पूरे होंगे, एक शताब्दी पूरी होगी, तो भारत निश्चित रूप से एक गौरवशाली भारत, एक दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, एक विश्वगुरु भारत, एक सोने की चिड़िया कहने वाला भारत बना करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ जन या संरक्षक मंडल मिल करके इस तरह का भारत बनाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी का जन जन, एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता इसी तरफ अपनी गति बढ़ाए हुए है और उसको पूर्ण करेगा। लालू यादव जी सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर वार कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? लालू यादव ने तो परिवार की बात की तो उनको परिवार का जवाब तुरंत मिल गया। ऐसे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, तो पूरा देश चौकीदार हो गया कि मैं भी चौकीदार। आज कहा कि लालू यादव जी ने कहा कि इनके परिवार ही नहीं है तो पूरे देश के लोग अपनी आईडी पर, अपने फेसबुक पर मैं मोदी का परिवार लिख करके ये जता रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं लालू यादव को कि आपने जो कहा है आपकी बात ठीक नहीं है, मोदी का परिवार तो पूरा देश है। और जब परिणाम आएगा तो लालू यादव जी देख लेंगे कि मोदी के परिवार में कितने सदस्य हैं।